सिलेवड़ के सामने कम से कम 5-6 साल से ठेला वाले अपना रोजगार करते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पे ठेला पे किराए पे लगाते हैं। जैसे कि एक आशीष सोनी, जो कि अपने आप को पत्रकार और समाज सेवक बताते हैं, वो लोग व्हाट्सएप पे देकर इन लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और छोटे बच्चों को शोषण के नाम से पैसे उगाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि यदि आप पैसे उगाते हो तो कम से कम इनको रसीद तो दो भाई, आप 5,000 ले रहे हो, 2,000 ले रहे हो, इसकी रसीद तो दो। तो कह नहीं, मैं तो समाज सेवक हूँ। तो अच्छा, आपके पास प्रूफ? मैंने कहा प्रूफ तो और आ जाएगा, यदि जांच होगी तो सब चीज़ें पता चल जाएगा। कौन कहता है ऐसे? कि आशीष सोनी करके कोई पत्रकार बताते हैं अपने आप। उन्होंने जो हेमंत का जो ठेला लगता था, उसके रात को इन्होंने एक ठेला लगवा दिया और ठेला लगा करके ये कहा गया कि ये ठेला यहीं पर लगेगा। मेरे को जैसे पता चला, मैं वहाँ पर पहुँचा, मैं विकास समिति का अध्यक्ष था और मैं ठेला यूनियन का भी अध्यक्ष हूँ। मैंने इनको समझाइश करी कि किसी की भी ठेले के सामने कोई भी नहीं लगावे और कोई भी व्यवस्था को नहीं बिगाड़े, लेकिन ये अपनी जिद के ऊपर थे और मार्ग व्हाट्सएप पे दे करके सभी यार दोस्तों को इकट्ठा करके लड़ाई झगड़े का माहौल बनाया। माहौल बनाने के बाद में जब आपस में तनातनी हुई तो पुलिस में हमने फ़ोन कर दिया था, तो पुलिस भी पहुँच गई थी। और इसके बाद के अंदर मेरा निवेदन इनसे ये था कि जो भी ठेला पहले से लगता हुआ है उसके सामने कृपया नहीं लगावे, दूसरा स्थान दुख ले। जैसे ही ADA और नगर निगम में हमारी लिखित में शिकायत दर्ज कराई हुई है कि इनको ठेले लगाने की अनुमति देकर इनको स्थान चिन्हित किए जाए, लेकिन अभी तक वो व्यवस्था नहीं हुई। जब तक हमारी निवेदन यही था कि आपस में झगड़ा प्रसाद नहीं किया जाए, लेकिन ये लोग झगड़ा प्रसाद के ऊपर आमाद थे और 50-60 व्यक्ति वहाँ पे ला करके इकट्ठे करके माहौल बिगाड़ने का प्रयत्न किया। ये कौन सी संस्था का पत्रकार है? ये संस्था का अपने आप को बताता नहीं है, पर कहता है सबको आपस में कि मैं पत्रकार हूँ। फिर आज CI साहब के सामने इसने कहा कि मैं समाज सेवक हूँ। तो मैंने कहा समाज सेवक की भी कोई संस्था तो होगी ना, कि भाई समाज सेवक मैं फलानी संस्था का हूँ और मैं उगाता हूँ। तो दूसरी बात, किसी भी संस्था के हो, लेकिन नियम तो ये कहता है ना कि आप जितना चंदा लेते हो उसका एक रसीद दे, उसको रसीद दे करके जो आप एक्सपेंडिचर करते हो बच्चों के लिए जो इकट्ठा करते हो, तो वो उसका भी दानदाता का भी हिसाब होना चाहिए। वो कुछ भी नहीं है। इसकी यदि मान लो उच्च स्तरीय जाँच हो तो ये लोग क्या ब्लैकमेल करते हैं, ठेले वालों का शोषण करते हैं, छोटे आदमियों को और अपने ठेले किराए पर और लगाते हैं। बनवरलाल शर्मा, हरिवा उपाध्याय नगर। मुकदमा दर्ज कराने के लिए CI साहब के पास में प्रार्थना पत्र दिया है आपने। आशीष सोनी जी के बारे में हमारे लिए हमारे पास में फ़ोन आया आशीष सोनी जी को, भाई ये थाने के अंदर बंद किया गया। मैं ई रिक्शा यूनियन का कोषाध्यक्ष हूँ और मेरे पास में फ़ोन आया कि भाई ये आशीष सोनी जी के पैसे लिए मतलब हमारे से पैसे लिए जाते हैं, बाकी हमने कभी आज तक उनको 1 रुपया नहीं दिया है। और उन्होंने हालांकि हमारी मदद ही की है, हर जगह हमारी मदद की है, कभी भी हमने उसको आधी रात को बुलाया तो वो आधी रात को तैयार रहे। उस बंदे को ज़बरदस्ती गलत जो भी किया जा रहा है गलत किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ठेले वाले से पैसे वसूली करी जाती है, हमारी नज़र में तो नहीं है, हमारी नज़र में तो ऐसा बंदा है ही नहीं। पत्रकार बताते हैं वो पत्रकार। सर, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उन पे, उनको पत्रकार अपने आप को पत्रकार बताते सही है गलत है? वो चीज़ पत्रकार है या नहीं है उस चीज़ का मेरे को मालूम नहीं है। बाकी हमारे लिए वो बंदा जो कभी आज तक भी कलेक्ट्री में लो, चाहे कहीं पे हॉस्पिटल में लो, चाहे थाने में लो, चाहे कहीं पे भी लो, हमारी मदद ही की है, बाकी हमने कभी आज तक उनको 1 रुपया नहीं दिया है और ना रिश्वत ली गई। आज हमारे पास में फ़ोन आया है, बोले भाई आज तुम्हारी ई रिक्शा यूनियन के जो भी है मेंबर वो यहाँ आके बात करें एक बार। तो हम आए यहाँ बात करने के लिए, बोले भाई कि उस बंदे ने हमारे से कभी भी 1 रुपया नहीं लिया। अब उनको किस बेस पे 151 की धारा लगाई है, क्यों लगाई है ये हमारे को पता नहीं है। अब अंदर जाने से हमको पता पड़ेगा। मेरा नाम शेर सिंह शेखावत।